सितंबर 2009 में एक अनूठी परियोजना का शुभारंभ हुआ। इसका नाम है लोक आवास यात्रा। ये पूरे ग्रामीण भारत में की जाने वाली एक ऐसी यात्रा है जिसके जरिए ग्रामीण पर्यावास के सुरक्षित और वहनीय विकास पर नजर डाली जा रही है। लोक आवास यात्रा की योजना पूरे भारत के 5 क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। ऐसे हर क्षेत्र में कामयाबी से जुड़े 3 ट्रेल हैं। यात्रा की शुरुआत 8 से 12 सितंबर के बीच मध्य क्षेत्र में हुई। इस क्षेत्र के ये 3 ट्रेल्स थे मराठवाड़ा, विदर्भ और बुंदेलखंड। हर ट्रेल में 20 लोग थे। ये ग्रामीण समुदायों, पंचायतों, सरकार और अन्य गैर सरकारी संगठनों के सदस्य थे। इनका मकसद एक दूसरे के काम को देखना, सीखना और जानकारी को आपस में बांटना था। इन हिस्सों में कामकाज से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, प्रक्रियाएं, तकनीकी समाधान और पर्यावरण आधारित वहनीय रोजी। ये सभी एक बड़े रूप में क्लाइमेट चेंज के मुताबिक ढलने से जुड़े थे। हम जो ज्ञान इकट्ठा कर सके और उस ज्ञान का विनिमय, उस ज्ञान का एक्सचेंज एक दूसरे के साथ किस प्रकार से कर सकते हैं, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। स्थायी ग्रामीण आवास के विकास पर ऐसा सबक लें जो कि आपदा से सुरक्षित, लोगों की जरूरतों और पर्यावरण के अनुकूल हो। विदर्भ में यात्रियों को ऐसे कई पर्यावरण अनुकूल मॉडल और कॉन्सेप्ट नजर आए जिन्हें द सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस ने लागू किया था। जो सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस काम करता है, ये सभी टेक्नोलॉजीज क्लाइमेट चेंज के लिए ही काम करती है। विदर्भ में सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस कई साल से मिट्टी आधारित तकनीकों का इस्तेमाल करके ग्रामीण आवास सुविधाओं को बढ़ावा देता रहा है। जो भी मिट्टी गांव में अवेलेबल है, जिस जगह पे मकान बनाना है उसी जगह की वेस्टेज मिट्टी जो है उससे हम मड ब्लॉक बनाते हैं। ऊपर में जो कबीलू है वो कुम्हार लोगों के द्वारा बनाए गए हुए हैं। और बड़े पैमाने के ऊपर इस प्रकार के घर यदि बनते हैं तो उसे पूरे साल के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ही काम मिलेगा। गाँव की ही वो मिट्टी का उपयोग करेगा और उसे अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा एक आधार मिलता है। जैसे हम कहेंगे कि एयर कंडीशनिंग का काम करता है, क्योंकि जो लेयर होती है गुना टाइल के अंदर, जो एयर गैप होती है वो इंसुलेशन का काम करती है। कम कार्बन वाली टेक्नोलॉजी की ही तरह दतिया में वर्टिकल शाफ्ट ब्रिक किल्न ने भी यात्रियों के लिए एक अच्छी मिसाल दी। वर्टिकल शाफ्ट ब्रिक किल्न में कोयले की खपत 40% से भी ज्यादा घट जाती है। इसको हम इको किल्न बोलते हैं क्योंकि ये पर्यावरण के लिए अनुकूल ईंट है। ये ऐसी ईंट है जिसमें कोयला कम, प्रदूषण कम होता है, धुआं कम होता है और कोयला भी कम लगता है और ये बराबर क्वालिटी की बनती है और ये एक दिन में 24 घंटे में आपको पक्के तैयार हो जाती है। इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार की स्कीम है, 25 लाख का लोन देने के लिए वो राजी है। उसमें 35% सब्सिडी है जो आपने कभी पे नहीं करना है और उसमें भी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 90% बैंक फाइनेंस कर देती है। तो आपने लगाना कितना है? 25 लाख के लिए आपने 2.5 लाख लगाना है। ऐसी ही एक और टेक्नोलॉजी कापर खेड़ा फ्लाई एश ब्रिक सेंटर में नजर आई, जहां 25 से 30 महिलाओं का एक समूह कापर खेड़ा थर्मल प्लांट से आने वाली राख से 7 से 8 हजार ईंटें बनाता है। डीएनए वन संपदा के साथ मिलकर 5 स्वसहायता समूहों को एक साथ आने में मदद की, एक उद्यम कायम किया और प्रशिक्षण के जरिए उनकी क्षमता को बढ़ाया। हमने 5 महिला उठा के कमेटी बनाई और ये इंडस्ट्री खड़ी करके और ये वीट भट्टा चालू कर दी।
तो उसमें से अब 2500 जैसे भी पेमेंट होता है तो उसमें हम खुश हैं। बुंदेलखंड ट्रेल के प्रतिभागियों ने मदौर में एक दिलचस्प सामाजिक आवासीय परियोजना को देखा जो लागत के बंटवारे वाले वित्तीय मॉडल पर आधारित थी और इसका कुछ हिस्सा अनुदान के रूप में था और कुछ ऋण के रूप में। परियोजना के लिए दान देने वालों ने घर की 2/3 लागत के बराबर राशि दी जबकि गांव वालों ने बैंक ऋणों के जरिए बाकी 1/3 धन मुहैया कराया। यहाँ के सभी 53 इको हाउस मदौर गाँव के मिस्त्रियों ने बनाए हैं। यावर मकान इस गांव में ऐसे हैं जो कि उन्नत तकनीक से बने हैं जिनको बनाते हुए यहीं के मिस्त्रियों ने कला अपनी भारी और अब यहाँ के मिस्त्री बाहर जाते हैं। हमने मोटा मोटा 3 तकनीकें यहाँ इस्तेमाल की, चूहा फांस की दीवार, MCR कंक्रीट की रूफ और कंक्रीट के 2 विंडो फ्रेम। जो हमारी चूहा फांस दीवार है जे में जो बीच में जो गुम्मा की सांस पड़ी है इसमें एक गुम्मे की बचत होती है। जैसे हमारे 10,000 गुम्मा टोटल लग रहा है या 10,000 की किसी मकान में लागत लग रही तो इसमें फिर 8,000 होता है, मतलब 20% की बचत है। तो MCR छत में भी हमें बहुत फायदे है, उसमें एक ये फायदा है अगर एक खपरा अपनी किसी तरह से टूट फूट भी होता है तो एक खपरा ला के तुरंत एक बदल दूँ। जो नई हमने तरीका सीख लिया है तो इससे हमें एक तो समय की बचत होती है और प्लस पैसे की बचत होती है। लोक आवास यात्रा के दौरान और भी कई अलग अलग तरह के नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित पर्यावास मॉडलों का लेखा जोखा लिया गया, जैसे कि बुंदेलखंड में स्थित सौर ऊर्जा वाला मॉडल। 16 आदमी का एक इन्होंने कमिटी बनाया है, विलेज ऊर्जा समिति, रामपुरा विलेज ऊर्जा समिति। कितना बिजली बनेंगे, कब बनेंगे, किस किस कारण के लिए बिजली दिया जाएगा, बिजली लगाने के लिए क्या शुल्क होना चाहिए, मासिक शुल्क क्या होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट कब से कब तक चलेंगे, सारे चीज ये लोग डिसाइड करते हैं, सब मानते हैं। इसमें सोलर में क्या है कि आपको तो दिन में प्रोडक्शन होता है और आपको घरेलू खर्च के लिए तो रात को ही इस्तेमाल होता है। यात्रा ने महाराष्ट्र के करवंजी गांव जैसी सफलता की दास्तानों को सुर्खरू किया जिन्होंने पीने का साफ सुरक्षित पानी हासिल करने के लिए राज्य सरकार की योजना का लाभ उठाया है। जब जल स्वराज कमेटी स्थापन हो गई गांव में तब 10% पैसा जमा करके और बाकी 90% शासन की वजह से टाकी में से नल कनेक्शन हर घर में दिया हुआ है और 150 तक नल कनेक्शन है और सुबह 7 से 7:30 बजे तक हर घर में पानी। गांववासी देखरेख खर्च के रूप में 1 रुपया अदा करते हैं। सामुदायिक प्रबंधन और स्वामित्व ने पेयजल प्रणाली की जवाबदेही और लंबी अवधि की वहनीयता को सुनिश्चित किया है। महाराष्ट्र में बोरंदीवाड़ी खुले में मल त्याग से मुक्त गांव की एक बेहतरीन मिसाल है। ग्राम पंचायत ने यहां भारत सरकार के संपूर्ण स्वच्छता अभियान को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी संभाली। सभी घरों में सरकारी निधियों और गृह स्वामियों के अंशदान का इस्तेमाल करके पर्यावरण अनुकूल लीच पिट टॉयलेट बनाए गए। शौचालय के पहले लोग रोड पे या फिर नाली के उस पर बैठ जाते थे लेकिन अभी वैसा नहीं है, अभी सब शौचालय में जाते हैं और अभी उसके बाद अच्छा साफ सुथरा रहने लगा है। यात्रियों ने जो भी मॉडल गांव देखे उनके निर्माण में स्थानीय समुदायों और ग्रामीण संस्थाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ सरपंच करके कुछ नहीं किया, यहाँ गाँव करके लोगों ने काम किया है करके इतना आसान बन गया। 12 सितंबर को सभी टीमें भोपाल में मिली। तीनों क्षेत्र के यात्री एकदम जमीनी स्तर पर किए जाने वाले कामों के असाधारण उदाहरणों को एक दूसरे से बांट और सीख चुके थे। मशाले चल पड़े लोग मेरे, अब वो इन नए विचारों के साथ अपने गांव वापस जाएंगे। खास बात यह थी कि लोग अगर संगठित होकर बगैर कोई राजनीतिक पार्टी से गांव का विकास करेंगे तो गांव का विकास संभव हो सकता। एक शपथ मिलो लूंगी कि मेरा ही गांव 2 वर्ष में पूर्ण बदलाव होगी, ये मेरी शपथ। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के।
अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के।